नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। बात करते हैं करनाल की। करनाल पुलिस की क्राइम यूनिट डिटेक्टिव स्टाफ इंचार्ज निरीक्षक वीरेंद्र राणा को गुप्त तरीके से कृषि यंत्र चुराने वाले गिरोह के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही निरीक्षक वीरेंद्र राणा द्वारा ASI हिम्मत सिंह की अध्यक्षता में एक टीम को तुरंत मेरठ रोड करनाल के लिए रवाना किया। ASI हिम्मत सिंह ने मेरठ रोड करनाल पर शुगर मिल्स से आगे निकलकर अपनी टीम के साथ नहर पुल कर पहुंचकर नाकाबंदी की, जिसके दौरान वाहनों की चेकिंग की जाने लगी और काफी देर के बाद जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर आरोपी गिरोह नाकाबंदी वाले स्थान के नजदीक पहुंचे तो ASI हिम्मत सिंह व उनकी टीम ने उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि वह नाकाबंदी उनके लिए की गई है। और जैसे ही वह नाकाबंदी वाले स्थान पर पहुंचे तो पुलिस टीम द्वारा तीनों आरोपियों मनीष उर्फ मनीषा, करमबीर उर्फ गोलू और रिंकू पुत्र रामफल वासी तखाना को दर दबोचा गया, जो मौके पर ही आरोपियों के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली व उसमें चोरी का सुहागा बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ पर आरोपियों द्वारा और भी कई कृषि यंत्र चोरी की वारदात का खुलासा किया गया है। अपना 8-8 को हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, ASI अपना हिम्मत सिंह और उसके साथ हमारी टीम गश्त में थी मेन रोड पे, तो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि तीन लड़के हैं, मनीष, करमबीर और रिंकू, जो कि तखाना गांव के हैं और एक ट्रैक्टर ट्रॉली में एक स्वागा जो कि खेतों में काम आता है, कृषि यंत्र है, उसको बेचने के लिए UP लेके जा रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन पे हमारी जो पार्टी थी उन्होंने वहाँ शुगर मिल पे के पास जो अवर्धन नहर का पुल है वहाँ नाकाबंदी की और इस ट्रैक्टर ट्रॉली को काबू किया और तीनों, इसको मनीष को, करमबीर को और रिंकू को, तीनों को हमने गिरफ्तार किया और इनसे फिर हमने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला भाई इन्होंने सबसे पहले अक्टूबर 18 में अपने ही गांव के एक आदमी की हैरो चोरी की थी और उसके बाद अब जून में इन्होंने लगातार मतलब चोरियां की, तखाने में भी चोरी की, नीलोखेड़ी में चोरी की, गांव सगे में चोरी की। इन्होंने दो जगह से तो रूटावेटर जो करीब 1.5 लाख रुपये की कीमत के हैं, ये एक सगे गाँव से चोरी किया और एक नीलोखेड़ी गांव में खेत से चोरी किया और एक हैरो, इन्होंने दो जगह से इन्होंने हैरो चोरी किए हैं और इस प्रकार ये करीब 5 मुकदमे 4 थाने तरावड़ी के और 1 थाना बुटाना में दर्ज है। 5 मुकदमे हमें ट्रेस करने में सफलता मिली है और ये जो गैंग लोगों के, गरीब किसानों के सामान जो ट्यूबलों पर रहते हैं ये अपने ट्रैक्टर से उसको उठा लेते थे, वहाँ से चोरी कर लेते थे सामान से बराबर। आगे आज इन ये रिमांड पे थे हमारे पास, 8 तारीख को हमने गिरफ्तार करे था और लगातार इनका रिमांड ले रहे थे हम। आज इनका रिमांड खत्म है और आज इनको जेल में छोड़ेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं ये तीनों? एक ही गांव के, तखाना गांव के हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।